हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज आपके लिए इस वीडियो में हम नए एग्ज़ाम पर बात करते हैं। अभी कुछ ही दिनों में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वे स्टूडेंट्स जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस जिसमें हम मैथ के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे वो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में पहला वीडियो आपके लिए है जिसमें हम बात करते हैं पहले टॉपिक पर, घातांक। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी मेथड से हम इस टॉपिक को समझेंगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आओ समझते हैं इजी मेथड से घातांक। घातांक क्या है? जैसे जैसे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का सीधा मतलब है कि हम 2 को कितने पर लिखेंगे? 5 पर। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको हम इजीली लिख सकते हैं 32। 2 को जब मैं 5 पर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, 32 हो जाएगा। यहाँ जो आधार आपका है, बेस जो है वो है 2, और घातांक जो है इसका है 5। तो आज हम अच्छे से घातांक को समझेंगे और वो क्वेश्चन भी समझेंगे जो रिट में आए हुए। इसी तरह से 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 8। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16। इसी तरह से 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को मैं 4 पर गुणा कर दूंगा, 3 3 9 3 27 3 81। तो आपको घात का मतलब समझ में आ गया। कैसे? बेस के ऊपर जब हम घात लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। घातांक को समझने के लिए इसके कुछ आसान से नियम हैं, उन नियमों को हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, पहला नियम है, पहला नियम देखो समझते हैं। जब आपको दे रखा है 1 की पावर n इंटू 1 की पावर n, बेस जो है वो सेम है, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1 टू द पावर n प्लस n। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 3 की पावर 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। ओके, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, तो ये इजीली हो जाएगा 2 की पावर a प्लस b। ये हमारा पहला नियम है। अगर बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, आपस में प्लस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें बेस समान होना चाहिए। इसी तरह से अगर वैल्यू हमें इस तरह से दे रखी है 1 की पावर m अपॉन 1 की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर m माइनस n, ठीक है। इसको समझने के लिए साथ में तीसरा रूल और मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तीसरा रूल हम और लिख देते हैं, फिर इसके एग्जांपल हम करेंगे। तीसरा रूल है कि जब आपके पास 1 की पावर माइनस m दे रखी है तो ये 1 अपॉन होके ये माइनस की जो पावर है वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। अगर आपको प्लस में पावर दे रखी है और उसका आप अपॉन लेते हो, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेते हो, तो ये हो जाएगा 1 की पावर माइनस m, ठीक है। तो इसका मतलब जब वैल्यू अंश से हर में और हर से अंश में जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे मान लो 2 की पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 4। ये यहाँ पर पावर माइनस में थी, अपॉन में जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। मतलब अंश से हर में वैल्यू जाती है या हर से अंश में वैल्यू आती है तो पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
ये हो जाएगा 1/16, 1/16, क्योंकि 2 की पावर 4 को आप समझ सकते हो, 2 की पावर 4 आपके सामने हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने बेस सेम होते हुए ये हम ऊपर लेके गए ना, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्लस था। जैसे मान लो 2 की पावर 6/2 है, तो इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 - 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को अभी मैंने बताया, मैं लिख सकता हूँ 16। तो ये घातांक का हमारा दूसरा नियम है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला नियम, ओके, और ये हमारा दूसरा नियम, और ये हमारा तीसरा नियम, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीनों नियम आपको अच्छे से समझ आ गए और उनके एक एक एग्जांपल भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए। इन सभी में कॉमन बात यह है कि बेस सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बेस सेम है, सेकंड क्वेश्चन में भी बेस सेम है, और यहाँ पर एक वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाती है आंसर से हर में, तो बेस तो वही रहता है लेकिन पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नियम है वो देखिए, अगर आपको इस तरह से रखा है a की पावर m और इसकी होल पावर n दे रखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n, ये जो n जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा m से। जैसे सपोज दैट ये आपका फोर्थ रूल है, जैसे मान लो a स्क्वायर रखा है और इसकी पावर हम ले लेते हैं 3, तो ये जगह a की पावर 2, 3 जा 6, 2 को 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ओके। इसी तरह से a की पावर 3 की पावर 2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, a की पावर 6 आ जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 3 की पावर हम 4 ले लेते हैं, तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये जगह 4 3 12, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। सभी रूल का हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, जब आपको दो अलग अलग वैल्यू दे रखी है, दो अलग अलग वैल्यू, फिफ्थ रूल, ए और बी, और इनका होल पावर एन दे रखा है, इट मींस ये ए की पावर एन है इनटू बी की पावर एन है। जैसे मान लो आपको दे रखा है 2 × 3 की पावर आपको दे रखी है 2, तो ये इजीली हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो इजीली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल इस जैसा ही रूल है, अगर a अपॉन b की पावर आपको दे रखी है n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n, ओके। जैसे 4/5 की पावर आपको दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा 4/3 और 5/3। कई बार क्या होता है कि दो रूल एक साथ मिल जाते हैं, जैसे सपोज है ये आपको दे रखा है 4/3 - 2 दे रखी है, तो देखो यहाँ पर हमने इस रूल को भी मिक्स कर दिया है, तो सबसे पहले इस पावर माइनस को प्लस में बदलते हैं। देखो जब आपने यहाँ पर माइनस था, इसको प्लस में बदलने के लिए इसको एक के नीचे लेके, इसका मतलब आपने इसका व्युत्क्रमानुपाती यूज में लिया है, व्युत्क्रमानुपाती, इसको पलट दिया। इसी तरह से इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, जो अंश में वैल्यू थी वो हर में चली गई, जो हर में वैल्यू थी वो अंश में चली गई, ठीक है ना, ये अंश की वैल्यू हर में चलेगी और हर की वैल्यू अंश में, पलट दिया हमने इसको, और इसकी पावर जो है इसका साइन चेंज हो गया, माइनस थी तो प्लस हो गया, और 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। हमने दो रूल को एक साथ ऐड किया है, 4/3 का पावर -2 है, 4/3 की पावर -2 है, घात -2 है, इसको हमने इजीली सोल्व किया है, अंश को हर में बदल दिया, हर को अंश में, तो माइनस साइन जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और प्लस में कन्वर्ट होने के बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बिकॉज 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए एक रूल और है। देखो अगर आपको दे रखा है a की पावर n और इक्वल में दे रखा है a की पावर n, तो इस कंडीशन में m इक्वल हो जाएगा n के, ओके। और अगर आपको दे रखा है a की पावर m इक्वल है b की पावर m, इस कंडीशन में a और b इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वैल्यू है, एक तो है आधार एक है घात। अगर आपके सामने आधार समान है तो घात भी क्या होगी समान होगी, आधार समान है तो घात भी क्या होगी समान, और अगर घात समान है तो आधार भी क्या होंगे समान होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर यहां पर देखो आपके आधार समान है घात अलग अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आधार समान है तो घात अलग अलग नहीं होंगी, m और n इक्वल होंगे। यहां पर देखिए हमने a और b को अलग अलग लिया है, यहां पर घात हमने बराबर ली है, तो अगर घात समान है तो आधार भी क्या होंगे समान होंगे। तो इस तरह से ये सभी रूल आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। इन सब का यूज करके आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक बार आपके सामने सभी रूल एक साथ लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं आगे, और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट घातांक में हम समझते हैं। देखिए अभी आपने एक रूल पढ़ा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको हम इजीली लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ओके। देखो इस रूल का यूज हम कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे सपोज दैट 8 अपॉन 8 क्या होता है 1 होता है, ओके। क्योंकि अंश और हर में अगर वैल्यू समान है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको बता दूं 0/0 ये अनिर्धारित कहलाता है। क्या कहलाता है अनिर्धारित, मतलब निर्धारित नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर अगर है नीचे 0 नहीं होना चाहिए तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं कि a अपॉन b, यहां पर b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और a भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 0 को छोड़कर, मतलब 0 को छोड़कर a व b 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए 8 अपॉन 8 1 होता है, 8 को मैं लिख सकता हूं, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 into 2 8 होता है, तो इसको मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूं अपॉन में 2 की पावर 3 इक्वल 1। अब देखो इसमें मैं ये रूल लगाता हूं, यहां पर हम देख रहे हैं कि जब वैल्यू ऊपर जाती है इसको मैं इजीली लिख सकता हूं 2 की पावर 3 माइनस 3 इक्वल 1, ओके। हमने ये रूल इसमें लगा दिया, एन ऊपर जाके माइनस हो गया, यहां पर एन की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 3 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 0। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 2 की पावर 0 अगर आधार 2 का घातांक 0 है 0 है तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं अगर a की पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 होगा, कंडीशन होनी चाहिए a 0 नहीं, b की पावर 0 का मान भी कितना होगा 1 होगा, कंडीशन है b नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा देखो 2 की पावर 0 को 1 हमने प्रूव कर दिया है, 3 की पावर 0 का मान भी 1 होगा, 4 की पावर 0 का मान भी 1 होगा, 4/5 की पावर 0 का मान भी 1 होगा, ओके। अच्छे से समझ लीजिए आप, और इसके अलावा 4×5/6×9 कुछ भी वैल्यू हो अगर इसकी होल पावर 0 है तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। x²(y³)x^4(y⁵) इन सभी की वैल्यू जो है, इन सभी की पावर अगर 0 है तो आंसर कितना होगा 1 होगा। चाहे ब्रैकेट के अंदर कितनी भी बड़ी वैल्यू और कितनी भी संख्या क्यों ना कर दें, अगर इसकी पावर 0 होगी तो इसका आंसर 1 होगा। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि x और y
नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स और वाई जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई हमारे लिए अननोन है, इनको हम नहीं जानते। यहाँ पर चार पाँच छः नौ को हम जानते हैं, इसलिए इसकी पावर जीरो एक होगा और इसकी पावर जीरो भी कितना होगा, एक होगा। लेकिन एक बात बता दूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो जो है ये अनिर्धारित होता है, इसको आप कभी भी जीरो नहीं लिख सकते, ये बात आप याद रखें, ना ही इसको मैं एक लिख सकता हूँ। जीरो की पावर जीरो कभी भी जीरो नहीं होती और जीरो की पावर जीरो कभी भी एक नहीं होता, ये अनिर्धारित होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पावर जीरो, घातांक जीरो का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसमें हमको दे रखा है रूट थ्री की पावर फाइव इंटू नाइन स्क्वायर इक्वल में दे रखा है थ्री की पावर एन इंटू थ्री रूट थ्री, और आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। रूट थ्री का मतलब होता है थ्री की पावर वन बाई टू, जैसे रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर वन बाई टू। अगर आपको इस तरह से दे रखे एक्स की पावर सो दे दिया और इसका रूट दे दिया आपको, तो आप सीधा सीधा पावर को आधी कर दीजिए, सो में जब आप दो का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पचास हो जाएगा, पावर हो जाएगी आधी। इसी तरह से रूट थ्री को हम लिख सकते हैं थ्री की पावर वन बाई टू। ओके, तो यहां पर आपको दे रखा है रूट थ्री की पावर फाइव, रूट थ्री की पावर अगर आपको फाइव दे रखा है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं थ्री की पावर फाइव अपॉन टू। मैंने बताया ना आपको रूट थ्री को पावर वन बाई टू में आप लिख सकते हो। इस तरह से रूट थ्री की पावर फाइव आ जाएगा थ्री की पावर फाइव अपॉन टू। अब देखिए यहां पर देखो रूट थ्री को लिखा हमने थ्री की पावर वन बाई टू, थ्री रूट थ्री को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप इसको समझ लीजिए, कहीं भी ये काम आए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देना। ये आ जाएगा थ्री की पावर वन है और थ्री की पावर वन बाई टू है। अब हमने देखो यहां पर हमने एक अभी रूल पढ़ा था ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, ये पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूं थ्री की पावर वन प्लस वन बाई टू। ओके, वन प्लस वन बाई टू को हम कैसे सोल्व करेंगे, वन प्लस वन बाई टू, देखिए यहां पर टू तो आ जाएगा लघुतम एलसीएम, टू वन जा टू प्लस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूं थ्री बाई टू। तो याद रखिए थ्री रूट थ्री को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं थ्री की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। इसी तरह से एक्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर थ्री बाई टू। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, डायरेक्ट समझ में आने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा रूट थ्री को हम लिख सकते हैं थ्री की पावर वन बाई टू, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू। ओके, इसी तरह से थ्री रूट थ्री को हम लिख सकते हैं थ्री की पावर थ्री बाई टू, और एक्स रूट एक्स आप समझ गए ना, एक्स रूट एक्स एक पावर वन कंप्लीट है और ये आधी पावर है, तो वन में जब मैं आधी पावर तो वन एंड हाफ हो जाएगा ना, वन एंड हाफ एक और आधा, एक और आधा मतलब एक पॉइंट पांच, एक पॉइंट पांच को मैं थ्री बाई टू लिख सकता हूँ ना, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो कि रूट का मतलब है पावर आधी, ठीक है। तो एक में जब मैं आधा जोड़ूंगा तो एक पॉइंट पांच बनेगा, एक पॉइंट पांच को मैं थ्री बाई टू लिख सकता हूँ। ओके, इज दैट क्लियर। तो देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, नाइन को हम क्या लिखेंगे, नाइन को हम लिखेंगे थ्री का स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सभी को एक साथ एक ही बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहां पर बेस थ्री हम कर देते हैं और ये पावर आ जाएगा फाइव अपॉन टू, ये नाइन को मैं लिख सकता हूँ थ्री का स्क्वायर, और इसकी भी होल पावर है नाइन का स्क्वायर है, तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा इधर थ्री की पावर एन इंटू थ्री की पावर थ्री बाई टू। देखो ये हमने यहाँ पे अच्छा आसानी से समझा है और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये आ जाएगा थ्री की पावर फाइव अपॉन टू इंटू थ्री की पावर फोर, टू टू जा फोर इक्वल में रखा थ्री की पावर एन इंटू थ्री की पावर थ्री बाई टू। तो यहां पर हमने बेस को समान कर लिया है, सभी जगह बेस सेम है, तो अब इजीली पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम यूज में लेंगे,
ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन, बेस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 3 की पावर 5 अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल है 3 की पावर एन प्लस 3 बाई 2। ओके, हमने पावर को प्लस कर दिया। अब एक रूल और हमने बताया था, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम समझ सकते हैं कि 5 अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा एन प्लस 3 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करने के कई मेथड हैं, आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर इजीली आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 4 इक्वल है एन। 3 बाई 2 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो 5 माइनस 3 यह जगह 2 अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल एन। ओके, तो आप इजीली समझ सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1, तो एन की वैल्यू आपके सामने आ जाती है 1 प्लस 4, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा घातांक का। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं घातांक टॉपिक से रिलेटेड, और कम्प्लीटली पूरा सिलेबस के लिए वीडियो रीड के लिए हम बनाएंगे। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स।